Hello everybody, this is Kushal Paddy and welcome to my channel. Today we are going to see chapter 2, The Ant and the Cricket, 20 extra questions. So let's start. Question number 1. What was the young cricket accustomed to do? The young cricket ko kya pasand tha? The young cricket accustomed to sing all day and enjoyed with his good times. Wo apne matlab acche din mein jo summer and spring season hota tha वो क्रिकेट बहुत अच्छे से वो अपना टाइम को एंजॉय करके वो गाना गा के पूरा दिन बिता देता था. व्हेन वाज द क्रिकेट हैप्पियर? क्रिकेट कब हैप्पी खुश होता था? द क्रिकेट वाज हैप्पियर दो द वार्म समर एंड स्प्रिंग. क्रिकेट समर एंड स्प्रिंग आने से बहुत खुश होता था क्योंकि ना उसे वो समय वो गाने में बिता देता था जो कि उसे बहुत पसंद था. Why did he complain? क्रिकेट ने क्यों कंप्लेन किया? He complained because his cupboard was empty and winter has come. वो कंप्लेन किया क्योंकि ना उसका कपबोर्ड मतलब जहाँ खाना रखता है उसका खाली था और सर्दी का मौसम भी आ गया था और सर्दी के मौसम में खाना नहीं मिलेगा इसीलिए वो कंप्लेन किया. व्हाट मेड द क्रिकेट बोल्ड? क्रिकेट को मतलब क्रिकेट को क्या तकलीफ दिया मतलब वो क्यों गाना गाता था तो क्यों दुखी हो गया. बोल्ड का मतलब दुखी. स्टार्वेशन एंड फैमिलाइन मेड द क्रिकेट बोल्ड. भूख के कारण और फैमिलाइन का मतलब भूख के कारण और वो जो एक्सट्रीम स्कार्सिटी मतलब खाना बिल्कुल भी जो नहीं मिलता था उसके कारण वो क्रिकेट बहुत दुखी हो गया था. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई क्रिकेट गो टू द एंट? क्रिकेट क्यों एंट के चींटी के पास गया था? क्रिकेट वेंट टू द एंट फॉर शेल्टर एंड ग्रेन्स टू ईट. क्रिकेट को वो जो बहुत भूख लग रहा था और उसे खाना भी नहीं मिल रहा था बाहर सर्दी के मौसम के वजह से आइस पूरा ढका हुआ था चारों तरफ वो उसे खाना नहीं मिल रहा था इसीलिए वो चींटी के पास गया था कुछ मदद मतलब खाना मांगने के लिए. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डिड द एंट टेल द क्रिकेट? चींटी ने क्रिकेट को क्या बोला जब वो क्रिकेट ने खाना मांगा तो चींटी ने क्रिकेट को क्या बोला? द एंट टोल्ड द क्रिकेट दैट दे नेदर बोरो फ्रॉम समबडी नॉर लेंड टू समबडी. चींटी ने कहा कि वो कभी भी अपना खाना किसी को दे ले किसी को दे देते नहीं किससे लेते भी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट डिड द एंट आस्क द क्रिकेट? चींटी ने क्रिकेट को क्या पूछा? द एंट आस्क द क्रिकेट दैट व्हाट ही वाज डूइंग इन समर टाइम्स. क्रिकेट जब धूप का मौसम था जब खाना उसे अच्छे से खाना और पानी दोनों अच्छे से मिल सकता था तो वो तभी क्या कर रहा था ये चींटी ने क्रिकेट से पूछा. क्वेश्चन नंबर 8. गिव द अपोजिट ऑफ एम्प्टी वार्म. अपोजिट मीनिंग लिखना है एम्प्टी का और वार्म का. एम्प्टी का होगा फुल वार्म का अपोजिट होगा कोल्ड. व्हाट वाज क्रिकेट डूइंग ड्यूरिंग विंटर? क्रिकेट विंटर के मौसम में क्या करता था? क्रिकेट्स कपबोर्ड वॉज एम्प्टी ही वॉज सर्चिंग फॉर फूड टू लीव. क्रिकेट का कपबोर्ड मतलब जहाँ वो खाना रखता था वो खाली हो चुका था और वो सर्दियों के मौसम में खाने की तलाश कर रहा था ताकि वो कुछ भी मिल सके तो वो खा के उससे जिंदा बच सके. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट वॉज द कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट का कंडीशन क्या था? क्रिकेट का कंडीशन वो जो एनवायरनमेंट जो रहता था क्रिकेट ने जो एक्सप्लेन किया था उसका कंडीशन कैसा था. द कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट वॉज द लैंड इज कवर्ड विद आइस नो क्रम्ब लीव फ्लावर वॉज फाउंड. वो कंडीशन एनवायरनमेंट का वो आइस से पूरा ढका हुआ था जमीन और कुछ खाने के टुकड़े या लीफ पत्ते फूल कुछ भी उसको मिलता नहीं था. क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डिड क्रिकेट गो फॉर हेल्प? क्रिकेट ने मदद मांगने के लिए किसके पास गया? द क्रिकेट वेंट टू एंट फॉर हेल्प। क्रिकेट ने चींटी के पास मदद मांगने के लिए गया। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डिड ही आस्क फॉर हेल्प? क्रिकेट ने चींटी को क्यों मदद मांगा? ही आस्क्ड फॉर हेल्प बिकॉज देर वॉज नो फूड ग्रेन्स एंड हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी। फॉर बींग अलाइव ही वेंट टू आंट फॉर हेल्प। वो चींटी से इसलिए मदद मांगा क्योंकि ना वो जो खाना जहाँ रखता था वो खाली हो चुका था और वो जीने के लिए उसको थोड़ा कुछ खाना मिल जाए, इसीलिए वो चींटी के पास कुछ खाना की टुकड़े मांगने के लिए गया था। क्वेश्चन नंबर 13, डिड द आंट हेल्प क्रिकेट? आंट क्रिकेट को हेल्प किए मदद किए क्या? नो, द आंट डिड नॉट हेल्प क्रिकेट बिकॉज दे सेड दैट दे नेवर बोरो एंड नेवर लेंड। आंट ने क्रिकेट को मदद नहीं किया क्योंकि वो बोले वो कभी भी किसी से लेते नहीं थे कि किसी को देते भी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिड क्रिकेट आस्क फॉर हेल्प? क्रिकेट ने क्या चींटियों से मदद मांगा था? क्रिकेट आस्क्ड फॉर सम फूड ग्रेन्स। क्रिकेट कुछ खाने के लिए कुछ दाने चींटियों से मांगा था ताकि वो जिंदा बच सके। ही वुड डाई ऑफ हंगर एंड स्टार्वेशन। अगर चींटी उसको कुछ भी खाना ना दे तो वो हंगर भूख और स्टार्वेशन भूख के मारे वो मर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड द एंट से टू डू ड्यूरिंग द विंटर? चींटी ने क्रिकेट को विंटर सीजन में क्या बोलने के लिए कहा, क्या बोला था करने के लिए? द एंट से टू डांस इन द विंटर। चींटी ने नाचने के लिए कहा था विंटर में क्योंकि वो समर सीजन में गाना गाता था तो विंटर सीजन में नाच के विंटर सीजन को बिता दे। क्वेश्चन नंबर 16, वॉट वेर द एंट डूइंग ड्यूरिंग समर सीजन? एंट समर सीजन में क्या करते थे? द एंट वेर कलेक्टिंग फूड फॉर फिलिंग देर कपबोर्ड। चींटियाँ वो फूड मतलब खाना कलेक्ट कर रहे थे, कपबोर्ड मतलब उनका जो खाना जहाँ रखते थे वो भरने के लिए कलेक्ट कर रहे थे ताकि वो विंटर सीजन जब आए तो वो जो स्टोर किए हुए खाना को खा सके। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई डिड द ऑथर से सिली टू द यंग क्रिकेट? ऑथर ने क्रिकेट को सिली क्यों कहा है? द ऑथर से सिली टू यंग क्रिकेट बिकॉज ही वॉज सिंगिंग ऑल डे एंड नाइट ड्यूरिंग द समर सीजन। इसीलिए क्रिकेट को सिली कहा है क्योंकि ना वो दिन से रात जब पूरा समर सीजन में जबकि उसे खाना मिल सकता था वो खाना ना कलेक्ट करके वो गाना गा के अपना दिन बिता देता था। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी इज द एंट एंड द क्रिकेट? ये कौन सा टाइप का स्टोरी है, या इमेजिनरी स्टोरी है या फेबल स्टोरी है? द एंट एंड द क्रिकेट इज ए फेबल स्टोरी बिकॉज इन दिस एनिमल्स आर एक्सप्लेन्ड इंस्टेंट ऑफ ह्यूमंस। दीज स्टोरीज आर कॉल्ड फेबल स्टोरीज। फेबल स्टोरी का मतलब है एक ऐसा स्टोरी जहाँ एनिमल्स को यूज़ किया होगा या इंसानों के बदले एनिमल्स को यूज़ किया होगा, उस स्टोरी को फेबल स्टोरी बोलते हैं। यहाँ एंट एंड द क्रिकेट ये दो को ह्यूमंस के जगह एनिमल्स को यूज़ किया गया, इसीलिए इनको हम फेबल स्टोरी बोल के कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, दिस स्टोरी इज अडेप्टेड फ्रॉम, ये स्टोरी किस बुक से लिया गया है? दिस स्टोरी इज अडेप्टेड फ्रॉम एसोप्स फेबल। ये स्टोरी एसोप ने लिखा था, हमने समरी में डिस्कस किया था, और एसोप्स के फेबल में से ये एक स्टोरी लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, सम क्रिकेट्स हैव फोर लेग्स एंड सम हैव टू। कुछ क्रिकेट्स मतलब इंसानों के चार पैर होते हैं और कुछ के दो, और कुछ एनिमल्स या कुछ इंसेक्ट्स के दो होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सेंटेंस? इस लाइन से आप क्या समझते हैं? सम क्रिकेट हैव फोर लेग्स एंड सम हैव टू।
सम क्रिकेट्स हैव फोर लेग्स, मतलब एनिमल्स जो हमने अभी डिस्कस किया जैसे कि वो ग्रास हॉपर, उनके फोर लेग्स की तरह से डिफाइन किया गया है, और सम हैव टू मतलब ह्यूमंस के लिए डिस्कस किया गया है। दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस का मतलब है ये जो स्टोरी है ये ह्यूमंस बींग ह्यूमन बींग्स के लिए भी सही है। ये स्टोरी पहले तो ह्यूमन बींग्स काम अच्छे से मतलब जल्दी नहीं करते, उसके बाद बाद में पछताते हैं और सबको मदद मांगते हैं। था आज का सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय।